नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिंबल टेक सपोर्ट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्मार्टफोन और उसके बुरे प्रभाव जो आपकी आंखों पर पड़ते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है जिससे कि आप लोगों को बता सकूं कि स्मार्टफोन कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, कैसे वो अस्थायी रूप से अंधा भी कर सकता है। बात रिसर्च में प्रूफ भी हुई है कि आपका जो स्मार्टफोन है आपको अस्थायी रूप से अंधा भी बना सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा लास्ट में जिससे कि आपको पता चल सके कि आप अपने स्मार्टफोन को आपको कैसे यूज़ करना है जिससे कि आपकी आँखें बच सके, आप अपनी आँखों से अच्छी तरह से देख पाएँ। तो आपने भी महसूस करा होगा कि जब आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों में जलन मस्ती है, आपकी आंखें दुखती भी हैं। मैंने भी बहुत बार महसूस करा है जब मैं कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा टाइम अपने स्मार्टफोन को यूज़ करता हूँ, खासकर रात में, तो मैंने भी देखा है कि मेरी आंखों में जलन होती है, मेरी आंखों में दर्द भी होता है। और ये सारे के सारे लक्षण होते हैं उस टेम्परेरी अंधेपन के, यानी कि स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस जिसे बोला जाता है उसके। तो अभी जो रिसर्च सामने आई उसमें ये पता चला कि जैसे मान के चलिए आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं अपनी एक आंख से, आप कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान के चलिए आप करवट लेके लेटे हुए हैं और आपकी जो एक आंख है वो आपके तकिए से ढकी हुई है, अगर आपकी दूसरी आंख खुली हुई है और आप कंटिन्यूस अपनी एक आंख से अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आप देखोगे कि आप टेम्परेरी 15 से 20 मिनट के लिए आपकी जो आंखें हैं उससे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये टेम्परेरी ब्लाइंडनेस इसको बोला जाता है, यानी कि स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस बोला जाता है और ये अस्थायी रूप से होता है, टेम्परेरी होता है, उसके बाद आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते चले जाओगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपकी आंखों पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बचना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो स्मार्टफोन है उससे ब्लू लाइट निकलती है, आप सभी को पता होगा, और चाहे LED हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, उन सभी से ब्लू लाइट निकलती है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो घर में LED वगैरह होती हैं, LED लाइट्स वगैरह जो होती हैं और साथ ही सन होता है, उसको हम कंटिन्यूस नहीं देखते हैं जिससे कि हमारा इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता, लेकिन जब हम अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो हम कंटिन्यूस उसको देखते रहते हैं। कंटिन्यूस हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को झपकाते भी नहीं है जिससे कि हमारी आँख सूखी हो जाती है और हमारी आंखों में जलन मचने लग जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है आने वाले समय में अगर आप कंटिन्यूस अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं इसी तरह, तो आपकी आँखें कभी भी ख़राब हो सकती हैं, तो आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से। तो अभी मैं आपको 4 टिप्स बता दे रहा हूँ, उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो शायद आपकी जो आँखें हैं वो बच सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक डिस्टेंस आपको बना के रखनी है। आप मान के चलिए 15 से 16 इंच की दूरी अपने फ़ोन से बना सकते हैं जिससे कि आपकी जो आँखें हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप अपनी जो ब्राइटनेस है उसको आपको कम से कम रखना है, कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा देना है, यानी कि जो फ़ोन की ब्राइटनेस है उसको आपको मिनिमम रखना है और कॉन्ट्रास्ट को आप बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपकी आंखों को ज़्यादा जोर ना देना पड़े काम करने के लिए। कोशिश करें रात को कम से कम स्मार्टफोन का यूज़ करें, अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले अपने स्मार्टफोन का यूज़ कम करें जिससे कि आपको एक अच्छी और बेहतर नींद आ सके। अगर आप अपने स्मार्टफोन को ज़्यादा समय तक यूज़ करते हैं, चाहे आपकी ये मजबूरी हो चाहे आपका काम हो, तो आप कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस अपने फ़ोन को देखते रहते हैं, अपन भी आंखों को चपकाते नहीं है, तो हमें क्या करना है, समय समय पर टाइम टू टाइम अपनी आंखों को चपकाते रहना है जिससे कि आपका जो लिक्विड है वो बनता रहे और आपकी आंख सूखी ना हो और आपकी आंखों में जलन और साथ ही आपकी आंखें दर्द ना करें। अगर आप अपने स्मार्टफोन को कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और आप देखते हैं कि आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपकी आंखें दर्द कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी दोनों हथेलियों को रब कर सकते हैं, उसको गर्म करके अपनी आंखों पर लगा सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी जो आंखों में जलन हो रही है और साथ ही आपकी आंखें अगर दर्द कर रही हैं तो वो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इन कुछ टिप्स का यूज़ करके आप अपने आंखों को बचा सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। मैं भी अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने ये महसूस करा था, मेरे काफ़ी समय से आंखों में प्रॉब्लम मुझे लग रही थी, तो मैंने एक डॉक्टर है उनसे कंसर्न करा था, काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े, वीडियोस देखी और उससे पता करा कि भाई कैसे हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। मैंने सोचा इसके लिए भी एक वीडियो बना दूँ जिससे आप लोगों को भी पता चल जाए। आप लोग भी बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ करते होंगे क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप करते ही होंगे, अगर आप एक यूट्यूबर नहीं भी हैं तब भी आप करते होंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं चाहे आप ऑफिस का काम करते हैं तब भी आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ करते ही होंगे। इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं आंखों को फायदा मिलेगा और आपकी आंखें सही काम करेंगी, आपकी आंखों में जलन नहीं होगी और आपकी आंखों में दर्द नहीं होगा। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दी चाहिए जिससे आप लोगों को पता चल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना जिससे कि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो वैसे यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।